हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयंतवासी। सॉरी दो दिन वीडियो नहीं बनाया, क्या बनाओ, अभी श्रावण का महीना चालू है, सब लोग श्रावण की पूजा कर रहे हैं और जो है मैं कुछ डालती रहती हूँ। आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, आज है पुत्रदा एकादशी। ठाकुर जी को आज का दिन बहुत प्यारा रहता है, पुत्रदा एकादशी है। आज के दिन कहते हैं कि अगर हम उपवास रखते हैं ना पुत्र के लिए, मतलब अगर हम जिन्हें बच्चा नहीं है, जिन्हें बच्चे का सुख नहीं है, या जो औरत प्रेग्नेंट है अगर उन्हें पुत्र के प्राप्ति चाहिए, तो आज के दिन अगर वो व्रत रखती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है और उन्हें पुत्र की ही प्राप्ति होती है। और दूसरा मतलब बच्चा कोई भी है, लड़का या लड़की, ऐसा नहीं कि पुत्र मतलब। और दूसरा अगर जो लोग को बहुत सालों से उनको औलाद नहीं हुई, औलाद का सुख नहीं है, तो आज के दिन अगर वो एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी, आज का दिन ही नहीं लेकिन आज के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आम के पेड़ के पास आज के दिन अगर वो औरत संध्या के वक्त शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आम के वृक्ष के पास, अभी यहाँ तो आम का पेड़ कहाँ है, बॉम्बे में पॉसिबल नहीं, गांव में तो औरतें आराम से करती हैं, आम के वृक्ष के पास, क्योंकि आम के पेड़ कहते हैं ना, जैसे हम कभी गोद भराई होती तो भी गोद में आम ही भरे जाते हैं, तो आम के वृक्ष के पेड़ के पास अगर 21,000 एक दिन में 21,000 ये मंत्र का जाप करें तो 101% यकीन है कि वो बांझ औरत को भी बीज ऊपर आता है और वो औरत को कुछ ही दिनों में, वो कुछ ही महीनों में बता देगी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसे बच्चा होगा। उसका मंत्र मैं देती हूँ, लेकिन मंत्र के लिए थोड़ी सी बात कहूँगी, मंत्र मैं बाद में दूँगी। अपने स्वार्थ के लिए माँ बनना अच्छी बात नहीं है। देखो मैं ना पंडित हूँ, मेरा बोलना ना सबको बड़ा कड़वा लगता है, मैं किसी को कुछ कहती हूँ ना तो सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमको जो दिखता है ना वही बोलते हैं। हमें कितने लोग पागल में गिनती करते हैं, अरे क्या कर लेगी, क्या है। हम लोग जब रात को बैठते हैं हमें दिखता है, आईनी हमले दिखते हैं, जिन जिन ना दिखते हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब दिखता है। अचानक से आदमी नीचे सोते सोते कुछ कर रहा है, सब पता चला, लेकिन हमें कुछ मतलब नहीं है। आपकी ज़िंदगी, आपको जो करना है करो, समझे। लेकिन एक ही बात बोलूँगी कि अपना पाप छुपाने के लिए किसी को ज़बरदस्ती बाप बनाना अच्छी बात नहीं है। मैं फंसाने से पहले बोल दूँ, पहली एक गलती हो चुकी है, एक गलती को आदमी ने एक्सेप्ट किया, ओके, तो तुम अगर इंसान ये सोचेगा कि मैं फिर से गलती करूँ, फिर से माँ बनूँ और अब की बार ये दिखाऊँ कि नहीं, अब की बार तो तुम्हारा ही बच्चा है, ऐसे करके फिर से उस दोबारा आदमी को, किसी को भी फंसाना, किसी भी औरत के लिए ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आदमी आपकी इज्जत करता है तो वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर आदमी आपको दिल से पूरे समाज के सामने इज्जत रखने के लिए अगर आपको अपने साथ रखा है तो वो आदमी बेवकूफ़ नहीं है, समझे। आदमी एक गलती माफ़ करता है। और एक बात बताओ, हम औरतों से ज़्यादा कमज़ोर दिल आदमी का होता है। हम औरतें एक बार बर्दाश्त कर सकती है हमारे आदमी किसी दूसरी औरत को लेकर घूमे, लेकिन हमारा आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी औरत 10 के पास जाए। ये बात समझ जाना। चलो एक इंसान कोई भी हो, मैं एनीथिंग कि सबको बोलूँगी, एक बच्चा इंसान चलो माँ बोल सकता है कि भाई हुआ, लेकिन फिर से दोबारा वही गलती करना, किसी का पाप किसी के सर पे मढ़ना, एक दो बार हम बिस्तर होके फिर उसको ये बता देना, हम बिस्तर मतलब समझ सकते हो, एक साथ फिर से जब फिर से पाप छुपाने के लिए हम बिस्तर होके फिर उसको फिर से उसी बात में फंसा देना कि भाई इस बार बच्चा तुम्हारा ही है। बच्चा फिर से पैदा करना अच्छी बात है, मैं विद्या देवी खुद आशीर्वाद देती हूँ बच्चों के मामले में, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि नहीं हो, भाई सबको एक औरत को इच्छा होती है बच्चे की, लेकिन वो इच्छा भगवान के सामने दिल से माँ बनने की हो तो अच्छा है। मैं आपको बताएं, मैं इतने साल से पूजा पाठ करूँ ना, मेरी एक ही तमन्ना थी, 3 बच्चे होने के बाद भी एक ही तमन्ना थी कि मुझे एक भगवान एक बच्चा ज़रूर देना, लेकिन मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की थी, मुँह काला नहीं किया था, ये उनका आशीर्वाद था, अपने आप आ गया, ये अपने आप आया। मैंने तो बोला भी नहीं था कि मुझे दो, मुझे तो लगा भी नहीं था कि 14 साल बाद इतना बड़ा चमत्कार होगा, और ऐसा चमत्कार कि वो अपने टाइम से आ रहा और एक अद्भुत तरीके से आ रहा है, आएगा तो ज़रूर। लेकिन उसके लिए मैंने कभी छल कपट या किसी को ब्लैकमेल या किसी पे थोपा नहीं था। मैं बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे का बाप कौन है, और मैं अपने बच्चे के बाप पे कभी ब्लेम या उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालती कि उसकी जिम्मेदारी लो या उसको नाम लो। कल की बात है, कल हमारे घर में रुद्र अभिषेक हो रहा था, क्योंकि हमें लगा कि मैंने एक बार बहुत पहले वीडियो बनाया था कि किसी की आयु कम है, 5 साल होने पे बच्चे की वजह से बच्चे का ग्रह नक्षत्र इतना ख़राब है कि 5वें साल पे उसके बाप की मृत्यु हो सकती है। उसके छोटे से निवारण के लिए मैंने कहा था कि त्र्यंबकेश्वर चले जाना सामने वाले को, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि उनके घर पे डेथ हो गई है अभी किसी की, तो देखो यही अड़चनें आती हैं। तो मैं देखो मैं चाहती हूँ बचाना, तो कल मैंने उसी उसके और घर में भी एक रुद्राभिषेक करना चाहिए,
तो मैंने कल खुद घर में रुद्र अभिषेक रखा था, लेकिन रुद्र अभिषेक में जब पंडित ने मुझे अपने बच्चे के लिए भी तो इंसान पूजा करेगा ना, तो ये पूजा करते मैंने यही कहा था कि मुझे कुछ मतलब नहीं है। जब नाम की बात आती है ना तो बच्चे का नाम पूछते तो मैं यही कहती हूँ कि इसका नाम है विद्या देवी की, इसकी मासी भी है विद्या देवी, मैं किसी पे थोपती नहीं। लेकिन अपने बच्चे को बाप का नाम देने के लिए किसी के साथ भी हम बिस्तर होना अच्छी बात नहीं। मतलब अगर एक आदमी तुम्हारा पति है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें मानता है, तुम्हारी एक गलती को सर आँखों पर ले लिया क्योंकि बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो तुम अगर सोचोगे कि मैं दूसरे बच्चे में भी यही हरकत करूँ हाँ पर ये दिखाऊं कि मुझे दूसरे बच्चे की लालसा, ये गलत है, फंसाओ मत, समझे, ऐसा होता है। और दूसरी बात, एक और बात, रक्षाबंधन आ रहा है। पता है आपको कल हम लोगों ने आईनी अमलेत में क्या देखा? एक कहा होता है, एक बात बताती, एक औरत होती है, एक मियाँ बीवी होते हैं, जब नई नई शादी होती परिवार में रहते ना तो पति देखता है मेरी बीवी 8 बजे सुबह सो के उठती है, लोगों का खाना बनाती है, वो सब करती है, बहुत अच्छी है, अरे वो बहुत दुख में है, फिर वो सोचता है कि मैं क्यों अपनी पत्नी को इतना दुख में, अलग हो जाऊँ। लेकिन जब वो पत्नी अलग होती है तब अपने असली रंग दिखाती है, क्योंकि परिवार में क्या है, परिवार में तो टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से बनाना रहता है। लेकिन जब वो बंदा अपनी बीवी को लेके अलग रहने लगता है ना, तब उसको असली कदर पता चलती है, ना टाइम पे कपड़े मिलना, ना टाइम पे खाना मिलना, ना टाइम पे कुछ मिलना। हाँ, पत्नी वो काम तब ज़रूर करेगी जब उसको पता चलेगा कि मेरा पति कहीं और भी मुँह मार रहा है, तब वो थोड़ी बहुत काम करेगी, लेकिन तो भी कितना दिन, दिखावा 1 दिन 2 दिन 3 दिन होता है। तो हमने देखा है बाद में उस आदमी को पछतावा होता है कि आखिर घर तो घर का, क्योंकि परिवार में क्या होता है, परिवार में सास रहते हैं, ससुर रहते हैं, मतलब माँ लड़के के माँ बाप रहते हैं। तो माँ बाप रहने पे एक माँ कैसी होती मालूम है? उसको पता है, उसको बहू पे डिपेंड नहीं रहती, उसको ये पता है कि मेरा बेटा अभी उठेगा, उसको खाना चाहिए, तो उन लोग सुबह नाश्ता वाश्ता बना के रखते हैं। उस आदमी को उस बात का पछतावा होता है कि मैं कोई चीज़ बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, कोई तो मुझे समझा रहा था कि ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। हम क्या लगता है, मैंने कल आईनी अमलियत में जो देखा वो मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने कल क्लियर किया, मेरे जिन ने ये बोला माँ आपको पहले से पता था कि षड्यंत्र किसने रचा था। तो एक बेटे को माँ बाप से अलग करना, माँ बाप की हाय लेना, कल जिन्नात ने यही कहा है कि उस माँ बाप की हाय इतनी गंदी लगने वाली है ना कि उनके दिल से यही हाल निकलती कि ज़िंदगी भर तुम लोग सुखी नहीं रहोगे। क्योंकि एक बात बताऊँ, कभी भी एक मान्यता है, छोटे बेटे के पास माँ बाप रहते, बड़े बेटे या बीच, या तो बड़े बेटे या तो छोटे बेटे के पास माँ बाप रहते, और लेकिन नेचुरली जाता है छोटे बेटों के पास रहते हैं, क्योंकि ये होता है कि उनका छोटा बेटा बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, दिल के अजीज होता है, तो ये होता है कि जिएंगे मरेंगे उसकी चौखट पे। लेकिन जब ऐसी नौबत आती ना तो सामने वाला देख रही थी मैं, कोई बहुत पछता रहा था, क्यों, माँ बाप के घर पे एक अलग सुख था ना, खाना पीना, लाड़ प्यार, भाभी का प्यार, माँ का प्यार, भाई का प्यार, सब कुछ तो एक औरत ने छीन लिया, कितनी हाई लगेगी सोचो, मतलब दिल से बद्दुआ निकली है, ना खाना पीना टाइम पे। आज उसको वो चीज़ बुरी लग रही होगी कि एक वक्त था कि मुझे हर चीज़ टाइम पे मिलती थी, आज एक वक्त है कि कोई 10:30-11 बजे तक सो के उठता ही नहीं है, 12-12 बजे 12:30 बजे तक नहाता ही नहीं है, उस टाइम तो छोड़ो एक एक दिन नहीं नहाता है, 2-3 दिन वैसे ही रहना गंदगी में। हाँ ये बात ज़रूर है, मेरी वीडियो से कोई अलर्ट हो जाता है, लेकिन अलर्ट होने से अच्छी बात है ना, सुधर जाए। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कोई आदमी सुधरता नहीं, थोड़े दिनों के लिए अपनी करनी बंद कर देता है, लेकिन करता वही है, तो जाने दो, मुझे क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप किसी के घर के बेटे को छीनती हो तो आप भी किसी के घर की बेटी हो, आपके भी घर में भाई होगा, आपके भी घर में भाभी, ऐसा नहीं हो कि आप रक्षाबंधन का एक सैंपल, रक्षाबंधन का टाइम है, आप सोचो कि मैं अपने घर जाऊँ, वहाँ पर भी इज्जत नहीं बची है, अब मैं अपने घर जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो कि आपने जो करनी की आपके साथ भी वही मिलते, आप तो यहाँ से ठाट बाट में मुंह उठा के चले जाओ, लेकिन पता चला कि वहाँ पे भी एक भाभी है, वो आपके भाई को लेके बस ए भाई राखी बांधो बांधो नहीं बांधो, तो वो भी वहाँ से चला जाए, तब वो पता चलेगा कि मैंने क्या किया था। क्योंकि माँ बाप साथ देंगे, भाई तब तक अपना है जब तक भाभी नहीं है, भाभी जिस दिन आई ना भाई अपना चला गया, मायका ख़त्म, तब तो ससुराल में ही वो इज्जत है, और अगर ससुराल में इज्जत ख़त्म ना तो इंसान घर का ना घाट का ये इज्जत रह जाती है। माँ बाप कितना साथ देंगे, माँ बाप भी तब तक साथ देंगे जब तक बेटा साथ है, जब बेटा ही छोड़ के चला जाता। और प्रपोज ऐसा हुआ, तुमने किसी को उसके माँ बाप से अलग किया है, ऐसा हो गया कि तुम्हारे घर के भाई ने अगर तुम्हारे माँ बाप को छोड़ के चल दिया तो क्या करेंगे, यहाँ का किया यहीं भोगना है। क्योंकि भाभियाँ कैसी होती मन में, वो अपने ससुराल की इतनी सी बातें ना, इतनी सी अच्छाई तो कभी मायके में नहीं बताई, इतनी सी बुराई ना पूरे खानदान में बता देती है कि अरे कैसे खानदान में शादी करा दिया, ये खानदानी साला बदनाम है, यहाँ की लड़कियाँ ही साली गंदी हैं,
होता है। तो इसके लिए बोलते हैं ऐसा पाप मत करो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मत फंसाओ, क्योंकि एक गलती आदमी माफ़ करेगा। तुम अगर इंसान जो सोचेगा कि मैं दूसरी गलती वही करूं और फिर से सोचूं कि मैं सती सावित्री बनूं, तो नेवर। क्योंकि एक बार दाग, कहते ना दाग लगता है तो कभी नहीं मिटता है। एक बार अगर इंसान के चरित्र पे दाग लग गया तो कभी नहीं मिटना है, ऐसा है। तो बस यही बात है। आपने सुना होगा आकाश में चंद्रमा बहुत प्यारा दिखता है, चंद्रमा को देखा है ना, चांद को, कि चांद आसमान का बहुत प्यारा दिखता है, उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। उसमें दाग है ना, आदमी उसकी तरफ नहीं देखता है, वो दाग की वजह से वो बदनाम है। गणपति का दिन आता है ना, पहला दिन चतुर्थी के दिन चंद्रमा को श्राप मिला है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो तेरे को देखेगा वो साल भर उस पर बदनामी का दाग रहेगा। तो उस दिन देखो आप, गणेश चतुर्थी के दिन सब लोग अगर गलती से चांद देख लेते तो पत्थर मारते, अरे हमारे साथ साल बिगड़ जाएगा। आप देखो गलती से अगर चांद दिख गया ना, उस दिन पूरा साल को आप पे चोरी का चमारी का कोई ना कोई दाग लगेगा ही लगेगा। इसके लिए ना बुरा करो ना बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम अच्छे रहोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, नहीं तो माँ बाप का छोड़ो, हमारी जो जनरेशन है ना, आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, यहाँ का के यहीं भोगना। कल ऐसा नहीं हो कि जो हम दूसरों के साथ करें, हमारे साथ भी हमारे बच्चे वही करें जो हमने दूसरों के बच्चों के साथ किया। ये होगा, लिख के लेना, जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ का क्या यहीं भरोगे। तो जय, ठीक है, आज पुत्रदा एकादशी है, आप लोग करिए, आम के वृक्ष के नीचे बैठिए, हाँ, और जो भी रुद्राक्ष की माला हो, जो भी हो, लेकिन उसी को करना है जो औरत है, पंडित वंडित से नहीं करवाना है। और बहुत छोटा सा मंत्र है, मंत्र है आम के वृक्ष के नीचे बैठिए और यही मंत्र पढ़िए। देखिए मंत्र है, ओम ह्रीम ह्रीम पुत्र, ओम ह्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम ह्रीम पुत्र कुरुम स्वाहा, ओम ह्रीम, देखिए यहाँ पे लिखा है, ओम ह्रीम ह्रीम पुत्र कुरुम कुरुम स्वाहा, कुरु कुरु, ओम ह्रीम ह्रीम पुत्र कुरु कुरु स्वाहा। मैं नीचे लिख दूंगी, मैं इसलिए देख रही हूँ बुक में कि मंत्र गलत नहीं होना चाहिए। मैं रावण संहिता फॉलो करती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं कुछ आता है ऐसा, जो मुझे आता है जितना आता है। देखिए मैंने सुल्तान जी को कल आवाहन किया, पूर्णिमा आ रही है, हम हर 15 दिन पे नमक का काम करते हैं, फिर पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा की रात को फिर काम होगा। और दूसरा कल मैंने ऐसी रात को, मैंने बहुत सारे जन अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे, मुझ पर ध्यान दे रहे, तो मैंने कल रात को फिर से नादे अली किया, क्योंकि हमारा मंगलवार आता है तो गुरुवार तक नादे अली होता है। तो हम लोगों ने फिर से 51,000 हम पाँचों छः जनों ने नादे अली का वीर चालू किया। तो उसमें यही कहा है, जो भी हमारे इस वक्त पीछे लगे हुए हैं, जो हमारे काम धंधे की तरफ आँख लगा के बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, सुल्तान जिन हमीउद्दीन जिन, अब भी उनकी बैंड बजाओ और हमारे काम के बीच में आने नहीं चाहिए। अपने आप को काट के भी फेंके तो उस बंदिश में नहीं आनी चाहिए। इसका सबूत क्या दोगे तुम? बारिश से दोगे। तो आज देख रही हो सुबह से बारिश चालू है, मैं तो जब मैं उठ के सुबह आई अभी तक हमारे यहाँ बारिश चालू है। इसका मतलब हमारा काम हो चुका है, जो सज़ा मिलने वाली वो बहुत बड़ी मिलेगी। और इस बार हमारा रिजल्ट पक्का है, हमारा काम 100%, मतलब हमारे साथ हमारी शक्तियाँ, सुल्तान जी ने सब जिन ने जो पावर दिखाया है वो बहुत ज़बरदस्त है। इतना तो बात सही है कि अगर मैं सुल्तान जी को आह्वान करती तो कुदरत के खिलाफ बारिश आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं। ये पावर तो उसने दिखा दिया है, मतलब एक्टिवेशन हो गया बहुत बड़ा। तो बस हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें बिल्कुल ना भूले, और मुझसे पंगा बिल्कुल ना लगे, मेरी शक्ल पे मत जाओ। मेरी शक्ल जितनी स्वभोली है मैं अंदर से उतनी खतरनाक हूँ। अगर मैं बिगाड़ने पे आ जाऊँ ना, तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगाड़ दूंगी और कोई सुधार नहीं पाएगा, ये बात मेरी पक्की है। तो जय माता दी।